हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो पे बात करेंगे टॉप 5 फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, जिसे आप लोग 40,000 के प्राइसिंग में परचेस कर पाओगी। और 40,000 एक परफेक्ट प्राइस सेगमेंट है जहां पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल जाता है। और दोस्तों, आप लोग भी एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो, वो भी 40,000 के अंदर, तो ये वीडियो को आखिर तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा, वो सारे स्मार्टफोन में टॉप नॉइज लेवल का कैमरा मिल जाएगा सोनी IMX890 सेंसर के साथ, और फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा, कार्ब डिस्प्ले के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टागरा दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है ओप्पो रेनो 11 प्रो। ओप्पो के रेनो सीरीज जाना जाता है अपना टॉप नॉइज लेवल का प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप लेवल का कैमरा क्वालिटी के लिए। और आप लोग भी ओप्पो की तरफ से स्मार्टफोन लेना चाहते हो 40,000 के अंदर, तो ओप्पो रेनो 11 प्रो की तरफ जा सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में। मीडिया टेक की तरफ से डायमंडी 8200 का चिपसेट मिल जाता है, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 9,50,000 के आसपास एंड्रॉइड फोन निकल के आता है। 12 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और गाइस, पिछली बार ओप्पो रेनो 10 प्रो में आप लोगों को क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर मिलता है, और इस बार ओप्पो रेनो 10 प्रो से ओप्पो रेनो 11 प्रो में बहुत बड़ा जाम देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस को लेके। और डिस्प्ले का बात किया है तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। 120Hz फास्ट रिफ्रेश के साथ 1600 nitpick brightness मिल जाएगा। HDR 10 Plus का सपोर्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और 240Hz का टास्क टाइमिंग रेट दिया गया है, और 4600mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि सफर करता है 80 और फास्ट चार्जिंग को। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 MP का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX890 सेंसर के साथ, और OIS का सपोर्ट मिल जाता है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 32 MP का टेलीफोटो लेंस मिल जाती है। उसके साथ 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है स्मार्टफोन का मेन कैमरा से, और सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो 30fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, कलर वाइज पे बेस्ट है। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट 40,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 4 पे आता है वीवो की तरफ से V29 Pro। गाइस, वीवो की तरफ से एक फ्लैगशिप लेवल का कैमरा क्वालिटी के साथ साथ अच्छा डिजाइन के साथ आने वाला लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 3D कर्व AMOLED डिस्प्ले आता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1300 nitpick brightness, HDR 10 Plus का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 8200 का 5G चिपसेट मिलता है, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 9 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर 8 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और फाइनली कैमरा का बात की जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का टेलीफोटो, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX766 का सेंसर मिल जाती है। OIS के साथ फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाता है। 4600mAh की बैटरी मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 80W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, फांटा OS पे बेस्ट है। LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज। ये स्मार्टफोन में TDO स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। और प्राइस की बात की जाए तो 8GB रैम 256GB मेमोरी मिल जाएगा 29,999 रुपीज में। नंबर 3 पे आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 FE 2023 एडिशन। और आप लोग चाहे तो सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S22 को परचेस कर सकते हो। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है। ये स्मार्टफोन आप लोगों को 40,000 के अंदर मिल जाएगा। और इस 30,000 के अंदर कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, हर एक चीज आप लोगों को टॉप नॉइज लेवल का चाहिए तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.4 इंच का डायनामिक 2X AMOLED डिस्प्ले आता है, जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1200 nitpick brightness, HDR 10 Plus का सपोर्ट, Gorilla Glass Victus का सपोर्ट के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात किया तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 888 चिपसेट मिलता है, जो 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 8,50,000 के आसपास एंड्रॉइड उसको निकल के आता है।
12 5G का सपोर्ट मिलता है, ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और फाइनली कैमरा का बात कर लेते हैं, सैमसंग का एपी सीरीज जाना जाता है अपना टॉप नॉइज लेवल का कैमरा के लिए। स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट, 4K वीडियो 60fps पर रिकॉर्डिंग करवाओगे। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। 4500mAh की बैटरी मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 25W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर, NFC का सपोर्ट, IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ONE UI 5.1 पे बेस्ट है। LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात कर लेते हैं, 8GB RAM 128GB मेमोरी, डिस्काउंट लगे 32,000 के आसपास मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है गूगल पिक्सल 7 और 7A। आप लोगों का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो आप लोग गूगल पिक्सल 7 की तरफ जा सकते हो, और आप लोगों का प्राइस कम है तो आप लोग गूगल पिक्सल 7A की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 7A के बारे में। पिक्सल का नाम सुनते ही कैमरा का याद आ जाता है, क्योंकि गूगल का पिक्सल सीरीज अपना टॉप नॉइज लेवल का फ्लैगशिप कैमरा क्वालिटी के लिए जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.1 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट को। 7000 nit peak brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस का बात किया है तो गूगल के तरफ से 10 G2 का 5G चिपसेट आता है जो 5nm आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर, 18 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। परफॉर्मेंस तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट कैमरा इसका बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX787 का सेंसर मिल जाता है और OIS के साथ। सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बहुत सारा फोटोग्राफिक मोड मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाता है। 4385mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 18W चार्जिंग को। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। IP67 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग, NFC डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात किया जाए, 8GB RAM, 128GB मेमोरी अभी के टाइम पे मिल जाएगा 39,999 rupees में। नंबर 1 पे आता है OnePlus 11R, और आप लोगों को आईफोन चाहिए 40,000 के अंदर तो आप लोग आईफोन 12 की तरफ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन अभी के टाइम पे 42,000 rupees में मिल जाएगा। गाइस 40,000 के अंदर फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्लैगशिप लेवल का कैमरा क्वालिटी चाहिए तो OnePlus 11R को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.74 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1450 nit peak brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट आता है जो 4nm आर्किटेक्चर में बेस्ट है। 1 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 9 5G का सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में सोनी की तरफ से IMX890 सेंसर मिल जाती है OIS के साथ। 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 100W फास्ट चार्जिंग को। 0 टू 100% चार्ज 25 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, ऑक्सीजन OS पे बेस्ड है, LPDDR5X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज, NFC का सपोर्ट के साथ डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। और फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 8GB RAM, 128GB मेमोरी मिल जाएगा 39,999 rupees में।